Good morning, dear students. Good morning, sir. Good, Nita Ambani. Nice to see you in the morning. Sir. Good morning. And it is so pleasant to see sabhi ka video on ho chuka hai. Now, you know, I did not tell you every time. Bahut acha lagta hai. Okay, that's wonderful. Good morning, Conan Qureshi. Conan aayi ki nahi? Just check. Conan hai? No, sir. Acha, mere ko barabar 8:35 ko apan ye kar denge, lock kar denge meeting. Alright. So last time maine aapko sikhaya tha log ko kaise dekhna, log table mein log kaise dekhna. Aaj main bataunga sabse pehle anti-log kaise dekhna. Anti-log kaise dekhna. Welcome, Conan. Conan. Good morning, Conan. Conan ka hai, Conan? Conan, how are you? I think Conan ko nikalne ki ichha ho rahi hai. Bole nikal do. Haan, aap aa jaiye barabar se. Bas aise rakhna aapka screen apna. Okay, now let us see anti log. You know, suppose log of x is y. If log of x is y, so x is called anti log of y. Ye zara likh dalo sab log. X equal to anti log of y. ये पहली बात ध्यान में रखना. अब एंटीलॉग देखने का तरीका क्या होता है? देखो एंटीलॉग का टेबल ही दूसरा होता है. लॉग के पीछे अगर देखोगे तो एंटीलॉग का टेबल है. एंड आई एम गोइंग टू आस्क कोनन टू फाइंड आउट द वैल्यूज. लास्ट टाइम मैं बोला था लॉग बुक होनी चाहिए. ओके, अब देखो अगर कोई मुझसे कहे एंटीलॉग ऑफ 0.3141 ऐसा देखो, तो मैं आपको बताता हूं मेथड क्या है. मेथड है ना, ये एंटीलॉग टेबल पे जाइए. ये देखो ये एंटीलॉग टेबल दिख रहा है, एंटीलॉग टेबल. एंटीलॉग वाला टेबल ही रखना है, लॉग टेबल में मत देखना. ऑलराइट, सभी को मिला एंटीलॉग टेबल? कोनन, यू गॉट एंटीलॉग टेबल और नो? कोनन कुरेशी, यस सर. एंटीलॉग टेबल मिला? एंटीलॉगरिथम्स लिखा है. उष्णा, आपको मिला? यस सर. ओके, ऑन एंटीलॉग टेबल में कैन यू सी फर्स्ट कॉलम 0.31 तक आ जाओ. 0.31 मिला फर्स्ट कॉलम का? यस सर. 0.31 में क्या लिखा है? 0.31 में लिखा है, 0.31 के अंडर 4 में देखो. 0.31 के अंडर 4 क्या है वैल्यू? सर 2061. दैट्स राइट, 0.2061. All right. और actually 0. लिखने का, 2061 लिखने का. And बाद में mean difference 1 में कितना है? Mean difference 1 में? Oh sorry, हाँ, mean difference 1 में कितना है? Mean difference 1 में कितना है? Mean difference 1 के अंदर 31 के सामने कितना है? 0. तो ये ऐड करो तो कितना हो गया? इट इज 2062. इधर लिख डालो 2062. नॉट क्लियर और क्लियर? 061. आ 2061, अरे मैंने 1 क्यों ऐड कर दिया? 2061, सॉरी 2061 लिखो. नाउ हमको डेसिमल पॉइंट रखना है. हमको डेसिमल एंटी लॉग का एक सिंपल रूल बताता हूँ. कोई भी आंसर मिले डेसिमल पॉइंट स्टैंडर्ड पोजीशन पे, स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब अपन द फर्स्ट नंबर 2 पॉइंट रख दो इसको 2.2061 और इनटू 10 रेस टू क्या करने का मालूम है? 10 रेस टू ये जो नंबर है वो 10 रेस टू 0. व्हाट इज 10 रेस टू 0? व्हाट इज 10 रेस टू 0? 0. हां 1. 10 रेस टू 0 यानी 0, एक्सेप्ट 0 रेस टू 0. All other raised to 0 is 1. So this will become 2. अरे क्या करता है रे?
दैट इज 2.061। अब है ना, सुनो, अगर मुझसे कोई कहे कि एंटी लॉग ऑफ 4.3141 निकल रहे, कोई बोले मुझे कहे एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.3141 निकालना है, कोई मुझे कहे एंटी लॉग ऑफ 18.3141 निकालना है, कोई मुझे कहे एंटी लॉग ऑफ 2 बार 0.3141 निकालना है, कोई कहे एंटी लॉग ऑफ 1.3141 निकालना है, एंटी लॉग ऑफ 25 बार 0.3141 निकालना है। सुनो मेरी बात, सुन लो, ध्यान से सुन लो, हर एक में ये नंबर देखने का ही नहीं, 0.3141 हर बार देखो कि 0.3141 सब में क्या नंबर आएगा, वॉट एवर में बी दिस, इधर नंबर क्या लिखूंगा मैं, इधर नंबर क्या लिखूंगा 0.31 का 41 कितना आएगा 2061, सब में 2061 आएगा। इनफैक्ट सबका आंसर तो आप बोलेंगे सर क्या कर रहे हो आप, सर हाउ कैन यू डू सेम थिंग फॉर एवरीवन, तो दिस इज व्हाट आई विल एक्सप्लेन यू, ये कहीं दिया नहीं है बुक में 2061। पॉइंट हमेशा, डेसिमल पॉइंट हमेशा स्टैंडर्ड पोजीशन, व्हाट इज स्टैंडर्ड पोजीशन, स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है, आफ्टर द फर्स्ट नंबर, आफ्टर द फर्स्ट नंबर, यहां पे डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, और into 10 raised to 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 10 raised to, यहाँ पे क्या मैंने जीरो था तो जीरो लिखा, यहाँ पे क्या लिखू, anybody can tell me into 10 raised to क्या लिखू, इसमें क्या लिखू 10 raised to 4, that's right, 10 raised to 4, यहाँ पे क्या लिखू 10 raised to minus 1, that's right, अरे जीतू कमाल हो गया, very good, और यहाँ पे क्या लिखूं 10 raised to 18, यहाँ पे क्या लिखूं 10 raised to -2, यहाँ पे क्या लिखूं 10 raised to 1, यहाँ पे क्या लिखूं 10 raised to -25। अब यहाँ पे ना जो सिंपल वैल्यू, जैसे यहाँ पे 10 raised to 0 1 था, हमने मिल गया 10 raised to 4 को जरूरत नहीं करने की, एज इट इज छोड़ दो आंसर, 10 raised to -1 ये यस यू कैन डू, यू कैन राइट दिस इज 2.2061 क्योंकि 10 to minus 1 है ना divide by 10, तो एक decimal shift हो जाए, इसको भी कुछ करने की जरूरत है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, इसको कर सकते हैं हम लोग 10 to minus 2 है ना 0.02061, you can do this, 10 to 1 कितना होता है, what is 10 to 1, अरे 10 to 1 कितना होता है नीता अंबानी, yes sir, 10 raised to 1 कितना होता है? 10 raised to 2 कितना होता है? मुझे बताओ, what is 10 raised to 2? 100, क्योंकि 10 into 10 करते हैं, दो बार करते हैं, 100, what is 10 raised to 3? कितना होता है? क्यों करते हैं? 10 into 10 into 10, इसलिए 1000 होता है, 10 raised to 1 क्या होगा? Just 10 into 1, चलो ये सब मैंने कभी सिखाया नहीं था, लेकिन आई थिंक योर कोरोना बैच ना मुझे करना पड़ेगा, सॉरी, तो 10 to 3000 यहाँ पे ये भी लिख लो, ये भी नहीं आता है आपको, तो 10 to 0 is 1, 10 to 0 means 10 to 10 into 0, सॉरी 10 into 1, that is 10 to 0 1 होता है, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, ये ध्यान में रखो, एक सिंपल लॉजिक, ऑलराइट, दिस इज 10 रेस टू 1 इज 10, तो क्या लिखूं मैं यहां पे 2.061 इनटू 10 यानी कि 20.61, यहां पे 10 रेस टू -25 को तो कुछ कर ही नहीं सकते, कितने सारे जीरोस लगाएंगे, तो उससे अच्छे छोड़ दो, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन, लेट जॉइनर को मैंने बताया था, सॉरी, ड्यू टू कमिंग टाइम, उष्णा हैव यू फॉलोड, उष्णा यस सर, जीतू, जीतू यस सर,
लेट जॉइनर के लिए कोई नहीं है, बस छूट गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, घर में बैठे बैठे लेट आते हैं। ओके okay. ये हो गई बात इसकी। अब है ना, मैं इसी में थोड़ा और इंटरेस्टिंग करता हूँ। अगर कोई मुझसे कहे खाली 0.314 बताओ तो क्या करोगे आप? ये लिख लिया सभी ने? सभी ने लिखा? कोई बोले 0.314 बताओ खाली तो क्या करेंगे हम लोग? ओ भाई 0.314, अगर फोर्थ नंबर पे है लेकिन ऑलवेज राइट इट इज जीरो, तो 0.314 इज सेम एज दैट इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.3140। 0.31 का 4 वो देख लो खत्म हो गया, कितना आंसर 0.31 का 4 2061 बस। तो 2061 इज द आंसर, इज दैट आंसर राइट और रॉन्ग? 2061 इज द आंसर, फाइनल आंसर, इज दिस राइट और रॉन्ग? सर स्टैंडर्ड पोजीशन। हाँ वेरी गुड, 2.061 इनटू 10^0, व्हाट इज 10^0? सो 1, दैट इज राइट, दैट इज 2.061। ओके ये हो गई बात इसकी। अगर मैं बोलूं खाली 0.31 देखो तो क्या आएगा? 0.31 होता तो क्या करता? एंटी लॉग ऑफ क्या लिखूं? 0.31002042 का देखना है क्या? 2042 is that the answer or we have to do some decimal point, कुछ गड़बड़ करना है? 2.042 that is right, 2.042 into 10^0 that is 2.042। ओके अब मैं बात करता हूं एंटी लॉग ऑफ सिर्फ 0.3 की, तो मैं क्या करूं? खाली 0.3 नॉट 0.3, तो दिस इज नथिंग बट एंटी लॉग ऑफ 0.3000। ऐसे कर दो, 0.30 लिखते तो भी चलते था। हुसैन वाज राइट, हुसैन यू आर राइट। अब इसका आंसर क्या है? 0.3995 सर, लेकिन 0.3 का एंटीलॉग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर? ये देखिए मैं बताता हूँ आपको, 1072। अरे वो 0.03 है। हाँ सॉरी सॉरी, 0.03। 1995। अभी क्या करूँ इसमें? पॉइंट क्या रखूँ? आफ्टर द स्टैंडर्ड पोजीशन यानी फर्स्ट नंबर के बाद इनटू 10^0, तो व्हाट इज द आंसर? 1.995। हाँ अरे एंटी लॉग ऑफ खाली 3 बोला होता तो क्या करते? अरे बाप रे, यस एंटी लॉग ऑफ 3 बोला होता तो क्या करते? ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। एनीबॉडी हु कैन, एनी स्मार्ट बच्चा जो बता सकता है, एनी स्मार्ट बच्चा, सर आपको ये करना होगा वो करना होगा। देखो लॉग का दिस इज द लेक्चर इन विच पूरे कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा आपके। सबसे पहले एक कंडीशन है, लॉग ऑफ 30 है ही नहीं, 30 है ही नहीं, 0.00 से लेके 0.99 तक है, 30 है ही नहीं बच्ची, क्या करूं कैसे करूं, कोई तो मुझे बताए। सर एक चीज तो सोचो, मैं हिंट देता हूं, पॉइंट जरूरी है एंटी लॉग दिखते टाइम, पॉइंट जरूरी है। प्रिशा शेट्टी कैन यू सजेस्ट मी समथिंग? ये यू राइट था, कौन कौन बोला ये सर? 0.03 थी तू, दैट्स रॉन्ग। वी कैन राइट दिस एज एंटी लॉग ऑफ 3.0000, ये है 0.00 का 0.00 देखो क्या है, 1000 इन टू 10^3 करूं कि क्या करूं? सो 1.0 दैट्स राइट,
That's right, Nita Ambani. This is point. Or yahan pe 10 raised to 3. But 10 raised to 3 kitna hota hai? 1000. Answer is 1000. Kabhi bhi entry log of 3 means 10 raised to 3. Ye dekho, ye is the best method hai. This way, you can understand how to find log. How to find log. I hope that's clear. अरे हाँ, सपोज एंटी लॉग ऑफ 31 होता तो एंटी लॉग 31 होता तो क्या करते 3.100 क्या क्या एंटी लॉग ऑफ क्या 3.1 हाँ 31.0 that is right 31.0000 that is 1000. 1000 means 1.000 into 10 raised to 31. Yani ki answer is 10 raised to 31. Acha, entry log of 2.5 hota to kya karu? Entry log of 2.5. ब्यूटिफुल आंसर वेरी गुड आंसर कोनन क्या बात अच्छा अभी क्या करूं इसका आंसर ये क्या करूं 3162 is the answer there you are kalila the point is right there 3.162 that is right that's the answer is this right into now 10 raised to 2 10 raised to 2 kitna hota hai Only 10 raised to 2. Abhi abhi bata ye dekho. 100. 100. That means 3.162 into 100. Yani kitna? 3162.2. Kitna? 3162.2. Ye kuch baat. Kya multiply karna bhi aata hai tum logon ko. I'm so happy. I am so so happy with you people. You know how to multiply. ये कॉपी कर लिया आप सभी ने प्यारे बच्चों ओके अब हम बढ़ते हैं आगल मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग आई वॉन्ट टू मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर उष्णा ने एक दिन मुझे बोला कि बस मुझे लॉग सिखाई है तो मुझे उष्णा क्योंकि काम करती है आई हैव टू वर्क फॉर हर ऑल्सो एनी स्टूडेंट विल वर्क एक्स्ट्रा आई विल गिव टू मच एक्स्ट्रा खाली ध्यान रखो आपको काम करना है एंड शी सो सिंसियर कि एक बार मेरा कोई लेक्चर क्या था उसने पीछे पढ़ते पढ़ते हाँ सर आपने पीडीएफ नहीं भेजा इतना पीछे पढ़ के मतलब शी सो मच इंटरेस्टेड इन सर कोई क्लास का बच्चा बोल ही रहा था कि सर मुझे पीडीएफ भेजना है आपका रह गया है एक्सेप्ट हर दैट शो सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी यू नो बहुत जरूरी होता है तो टीचर भी उसके उस बच्चे के लिए जान देगा आपकी तुम लोग बाकी पढ़ते ही नहीं है बट टुडे कॉनन इज रियली गिविंग गुड आंसर्स बहुत अच्छा आंसर दिया था कॉनन ने एनीवे आई एम सो हैप्पी टुडे ओके अब है ना मैं आपको बताता हूँ ये बार क्या होता है सबसे पहले सर बार अचानक सारा लाइफ में आज तक पढ़ा रहे हमने अचानक 2 बार 3 बार 5 बार सर ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ बार क्या होता है रिमेम्बर बार 1.2 लिखने का मतलब क्या मालूम है ये है ना ये माइनस वन और ये प्लस 0.2 मतलब बेसिकली इसका आंसर 0.8 मतलब ये नंबर माइनस 0.8 को वी कैन राइट इट इज 1 बार 0.2 मतलब जो बार वाला पार्ट है वो नेगेटिव और बार के बाद वाला पार्ट है वो पॉजिटिव जैसे बार 8.65 कह रहे क्या होगा बताओ इसको क्या लिखूं
माइनस एट प्लस 0.65 यानी कि माइनस 7.35। ये माइनस 7.35 को ऐसा लिखा जाता है, ये इसको ऐसा लिखा जाता है। ये हो गई बार की बात, ये हो गई बार की बात। ये कहीं दिया नहीं है, पता नहीं, नोबडी एक्सप्लेन्स। स्टूडेंट लोग बार लिखते हैं लेकिन बार क्या है, बार पॉइंट क्या है, तो बार वाला पार्ट नेगेटिव, आगे वाला पार्ट पॉजिटिव। ऑलराइट, हाँ कोई बोले सर, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, कोई बोले सर मुझे माइनस 0.8 को बार के रूप में कैसे लिखूं सर, सर मुझे माइनस 0.8 को बार, ये तो अपने बार 1.2 से माइनस जीरो, लेकिन सर मुझे ये बनाना होता, एनीबडी कैन टेल मी व्हाट शुड आई डू? 1.2 इसका 0.8 तो माइनस है ही, उसकी तो कोई जरूरत नहीं। इसको टेल मी क्या करें, माइनस 1 प्लस 0.2, माइनस 1 प्लस 0.2 इज 0.8 ना बच्चे? अरे माइनस 1 प्लस 0.2 कितना होता है? अरे बच्चे लोग बोलो ना यार, 0.8। हाँ तो बस इसको हो गया बार 1.2। इसको ऐसा लिखने का तरीका, कोई बोले सर और अच्छी तरह बताओ, तो टेल मी कह रहा है माइनस 1 प्लस 1 माइनस 0.8, क्योंकि ये माइनस 1 प्लस 1 किया और ये तो माइनस में रहने 1 बार, और 1 माइनस 0.8 इज 0.2, तो दैट इज बार 1.2। जैसे कोई बोले माइनस 5.6 को मुझे बार के रूप में लिख के बताओ, माइनस 5.6 को मुझे बार के रूप में लिखना है, एनीबडी कैन टेल मी व्हाट शुड आई डू? क्या करूं मैं, कैसे करूं? क्या रे, दिस इज माइनस 5 माइनस 0.6, माइनस 5 माइनस 0.6, माइनस 5 को अब क्या करूं मैं, कहने से 6 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 0.6, क्योंकि 6 माइनस 6 इज 0, माइनस 5, एंड कैन राइट दिस इज 6, व्हाट इज 6 माइनस 5, व्हाट इज 6 माइनस 5, माइनस 1 माइनस 0.6 यानी कितना, एक मिनट मैं गड़बड़ हो गया, इसको लिखने का तरीका, माइनस 5.6 इज बार 6.4, देखो जरा, माइनस 6 प्लस 0.4, माइनस 6 प्लस 0.4 कितना होगा, माइनस 6 प्लस 0.4 इज माइनस 5.6, हो गया। दिस इज नथिंग बट माइनस 6 प्लस 6 माइनस 5.6, एंड दैट इज नथिंग बट माइनस 6 प्लस 0.4, एंड दैट इज बार 6.4। देखो माइनस 6 प्लस 6 क्या हमने, इट इज एज गुड एज 0, माइनस 5.6 एज इट इज, ऑलराइट, क्योंकि माइनस 6 एज इट इज, बट 6 माइनस 5.6 इज 0.4, सो इट इज बार 6.4, दैट्स द वे टू गेट बार 6.4। Are you guys clear? प्यारे बच्चों, is this clear or no? How to convert minus into bar? कि एक और example लो ऐसा? सर एक और example लो। एक और example लेता हूँ। Minus 4.2. Tell me, can I write this is minus 4.2? But tell me, can I write this as क्या लिखूँ बताओ? तुम लोग बताओ। Minus 5 plus 5 minus 4.2. That is minus 5 plus 0.8. That is bar 5.8. Ek aur example lo. Yes. Okay. Minus 1.6. To kya likhu? Kya likhu? Minus 2
plus 2 minus 1.6. What is minus 2? 2 bar. And what is 2 minus 1.6? That is 2 bar 0.4. ये जरा अभी करके बताओ कौन करेगा माइनस लेट्स से 6.9 इसका बताओ बार क्या होगा बार के रूप में माइनस 7 प्लस 7 माइनस 6.9 हां तो आंसर क्या आएगा फाइनल आंसर अभी एक एक स्टेप मेरे को लीजिए माइनस 7 प्लस 0.1 हां तो फाइनल आंसर क्या यस 7.1 और बोलो नीता मनी 7 bar 0.1 That's right. अब ये आ गया बार की कहानी भी खत्म अब मैं मिटा रहा हूं इसको ये कोई पूछेगा नहीं आपको कभी कोई लाइफ में पूछेगा नहीं इसको बट यू शुड नो व्हाट इज बार व्हाट इज दिस व्हाट इज This is characteristics part. This is mantissa part. चलो ये हमने मिटा दिया है. अब हम आपको बार वाले नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे वो हम बता देते हैं आपको. देखो अगर कोई आपसे कहे बार 1.3682 प्लस 06 चलो इसको एक क्या करूं सिंपल बताने के लिए चलो ऐसा करके ये नंबर ऐड करने दोनों को तो इधर देखो सब लोग लिखना बंद रखो और इस 2 + 0 2 और इस 8 + 0 8 6 + 0 6 और इस 3 + 1 4 एंड ये आंसर क्या होगा बार 1 प्लस 6 कितना होगा 5 बार 1 प्लस 6 चलिए बताओ सर 5 बार 5 या 5 सिर्फ 5 यस सर दैट्स द आंसर दैट्स द आंसर अच्छा अभी और बात बताओ सपोज बार 1.3682 minus 6.1000 बताओ चलिए माइनस कर रहे हैं आपकी बात और इस 2 - 0 2 8 - 0 8 6 - 0 6 और इस 3 - 1 3 और यहाँ पे क्या लिखूं 7 bar is the right answer बहुत अच्छा 7 bar 0.2682 lovely answer okay अबे ना हम बतावे थे वो सुनो bar 1.3682 alright minus 6.4682 ये जो करके बताएगा ना ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ये जो करके बताएगा मुझे बताओ व्हाट इज 2 - 2 0 0 0 6 - 6 0 यहां पे क्या करो सर 9 नहीं यहां पे जान 13 में से चोर के चार के यहां पे सर 5 बार 5 bar, that's the wrong answer. 6 bar. 6 bar is wrong answer. So 7 bar. 7 bar is wrong answer. 6 bar here. Uska jo answer batayega, he is one of the best students, let me tell you. Ashif Raja. Yes, sir. Ashif, bol. Koshish kar, wrong to wrong, chalega. Vidhi Bhatt,
With the bird. Six. 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 No. अब मैम मैं अगर इसको एट बार लिखूंगा तो आप बोलेंगे सर क्या आपका क्या ग्रेल सर आप व्हाट इज योर व्हाट आर यू डूइंग एट बार इज द राइट आंसर मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्वेश्चन वो ध्यान से सुनो अगर ये 1.3682 होता और -6.4682 होता तो हम लोग क्या करते हैं जीरो 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 तेरह में से चार गया नौ इधर क्या बचता जीरो और ये जीरो माइनस सिक्स यानी कितना माइनस सिक्स यानी कितना यहाँ पे क्या लिखता मैं सिक्स बार ये भले लिख दो एक और प्रॉब्लम ये राइट आंसर ये लिख के रखो इसके ऊपर से ये समझोगे आप ओके अब देखो यहाँ पे अगर ये थ्री होता तो क्या करते थ्री थ्री टू बन जाता माइनस वन यहाँ पे सिक्स होता तो कितना होता फाइव हो जाता यहाँ पे अगर जीरो होता तो क्या अरे हाँ ये तो मस्त प्रॉब्लम ये नया प्रॉब्लम भी लिखो 0.3682 माइनस 6.0 होता तो क्या होता यहाँ पे दो में से दो क्या जीरो आठ में से आठ क्या जीरो छह में से छह क्या जीरो इधर से एक किया यहाँ पे क्या होता यहाँ पे हमेशा एक कम होता है यहाँ से उधार रहते हैं ना तो इसका एक कम हो जाता है तो जीरो में से एक कम होगा तो क्या बनता है वो वन बार होता है इधर जीरो जब हटाते हैं तो इट इज माइनस वन माइनस वन माइनस सिक्स विल बिकम व्हाट बताओ माइनस सेवन बार यहाँ पे वन बार था तो वन बार में से एक और उधार लिया तो व्हाट इज वन बार माइनस वन व्हाट विल बी वन बार माइनस वन माइनस टू यानी टू बार तो ये टू बार हो गया तो टू बार माइनस सिक्स विल बी कितना इसलिए यहाँ पे मैंने एट बार लिखा है विच नोबडी थॉट अबाउट इट ये बुकों में एक्सप्लेन ही नहीं किया गया है पता नहीं क्यों बच्चे लोगों को बहुत तकलीफ होती है लॉग में व्हेन दे वांट टू ट्राई ऑन देयर ओन बार क्या होता है बार के आगे पॉइंट के बाद क्या होता है वो सब मालूम ही नहीं रहता है I will try my best to explain. अभी ये वाला करके बताइए आप जरा प्लीज देखता हूं मैं कौन कितना है किसमें कितना है दम 3/0.5900 माइनस 6 पॉइंट और लेने से माइनस 6/0.8900 ये करके बताओ जल्दी 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 कौन है जो मुझे बताएगा मेरे सबट्रैक्शन वाला पढ़ा बहुत इजी रखता है 8/0.700 ओके ये जीरो में से जीरो गया जीरो 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 पंद्रह में से आठ गया सात सवाल होता है यहाँ पे क्या होगा एनीवन हु कैन से अभी तक राइट आंसर नहीं आया है सर 4.700 टू बार राइट आंसर नहीं आया है राइट आंसर नहीं अप्रिशिएट राइट आंसर नहीं आया है चलो मैं बता दूं ये कितना हो गया खाली बताओ ऊपर का पांच कितना हो गया फोर बार अरे ये कितना हो जाएगा एक उधर लिया तो फोर बार बिकम माइनस फोर बार माइनस और सिक्स बार That is telling sir, four bar. Four is minus minus plus.
ये रहा आंसर आपके सामने, ये रहा आंसर आपके सामने। किसी ने ये आंसर लास्ट में शायद टू बोला था, कोई तो बोला था, आई थिंक कोनन की आवाज थी। सर मैंने बोला था। अरे यार कोनन को भी बोल देती है कभी कभी, तुमको पता नहीं चलता है। कोनन मन की आवाज मैं सुन लेता हूँ उसके, यू नेवर नो। नीता अंबानी, ओ नीता अंबानी, यस सर, ये मालूम पड़ा बार फोर माइनस सिक्स बार, अभी ये भी करा देता हूँ, चलो व्हाट इज बार फोर प्लस सिक्स बार कितना होगा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, बार फोर प्लस सिक्स बार कितना होगा, टेन बार, टेन बार, दैट इज राइट। ओके व्हाट अबाउट बार फोर प्लस सिक्स कितना होगा, ये तो मैंने बताया अभी अभी, बार फोर माइनस थ्री बार कितना होगा, बार फोर माइनस थ्री बार कितना होगा, सेवन बार, सेवन बार इज रॉन्ग, अरे दिस इज नथिंग बट बच्ची क्या करती है नीता अंबानी, बार फोर प्लस थ्री ना, माइनस माइनस विल बिकम प्लस थ्री, बार फोर प्लस थ्री विल बी वन बार, ये कॉपी करो सब तुम्हारे लिए, मेरे को तो आता है सब। ओके अभी तक हमने लॉग चालू ही नहीं किया, लॉग का बेसिक्स समझ रहे हैं हम लोग, लॉग देखा, एंटी लॉग देखा, हाउ टू ऐड एंड हाउ टू सबट्रैक्ट लॉग देखा, अब हम बढ़ते हैं आगे, मिटा दूं इसको, यस सर, सभी ने कॉपी कर लिए, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे गड़बड़ करते हैं बच्चे लोग, तो दिस वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, तो चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, अब है ना हाउ टू मल्टीप्लाई द टू नंबर्स बाय लॉग, वो मैं आपको सिखावत हूँ, पहले तो एक दो फॉर्मूले हैं वो मुझे देने पड़ेंगे आपको, देखो पहला है log of multiplication of two number, log of x into y is nothing but, दिख रहा है ना, log of x plus log of y, log x y के अंदर क्या है, log x plus log y, and log x upon y division के अंदर क्या है, log x minus log y, और तीसरा log a raised to m, m को मैं टोपी बोलता हूँ, m को है ना देखो इसके ऊपर जाता है ना, तो क्या है m is called टोपी, तो टोपी को हमेशा नीचे उतारने का प्रेम से बोलने का, चल भाई तू नीचे उतर, तो टोपी नीचे ऐसे, या टोपी को ऊपर भी ले जा सकते हैं, जैसे 2 log 3 can be written as log of 3 raised to 2, क्योंकि 2 को नीचे भी उतार सकते हैं तो 2 को ऊपर भी, that is equal to log of 9, टोपी को नीचे उतर सकते हैं, टोपी को वापस पहना भी सकते हैं, वो पर जाके तो टोपी नीचे भी उतर सकती है, टोपी ऊपर भी जा सकती है, तो ये टोपी नीचे उतरी हुई थी, टोपी को ऊपर पहुंचाया, तो लॉग नाइन